देश के पश्चिमी छोर पर स्थित संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव अपने समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण सदस्य हैं यहाँ पर निवास करने वाले सांप। ये हमारे आसपास ही होते हैं, परंतु ये हमारे दुश्मन नहीं होते। इनका संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे चूहों, सरीसृपों और अन्य कीटों का शिकार करके फसल सुरक्षित रखते हैं। भारत में 300 प्रजातियों में से 52 सांप जहरीली होती है, जिनमें कोबरा, क्रेट, रसल स्वाइपर और सौ स्केल्ड वाइपर प्रमुख हैं। विभिन्न कारणवश ये संभव है कि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सर्पदंश का शिकार हो जाए। इन परिस्थितियों में सही जानकारी से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। जैसे किसी भी तरीके से सांपों के आवास को प्रभावित न करें और ना ही उन्हें परेशान करें। कभी भी सांप को हाथ लगाने, धमकाने या हमला करने से बचें। सांपों को जानबूझकर किसी बंद जगह में फंसाने या घेरने से भी बचें। आपके हाथ, उंगलियों या पैरों को किसी भी ऐसे स्थान पर न डालें जहां पर सांपों के रहने की संभावना हो। मरे हुए सांप भी खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए उनसे संपर्क न करें। समुद्री सांपों से दूर रहें, क्योंकि वे भी कभी कभी जाल में फंस सकते हैं। इसीलिए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हें छूने से बचें। जहरीले सांप जन्म से ही जहरीले दांत और जहर के साथ पैदा होते हैं। युवा सांप अधिक आक्रामक होते हैं, इसीलिए उन्हें भी छूने से बचें। घर के आसपास एवं बगीचे में साफ सफाई रखें एवं कबाड़ को जमा नहीं होने दें। अक्सर सांप भोजन की तलाश में चूहों के बिलों के पास आ जाते हैं, इसीलिए चूहे के बिलों को बंद करें। पशुओं के चारे और कूड़ा करकट को घर के अंदर और आसपास नहीं रखें। जमीन पर सोने से बचें। यदि जमीन पर सोना पड़ता है तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें एवं चारों तरफ से ठीक प्रकार से दबा कर रखें। रात में घर से बाहर निकलते समय टॉर्च का उपयोग करें। खेतों में या जंगल में जाते समय जूते और पैंट पहनें, ताकि आपके पैरों की सुरक्षा हो सके। खेतों में काम करते समय जांच कर लें अथवा डंडे से फटकारें। जब आप बाहर जाएं तो भारी कदमों से चलें, ताकि सांप ध्वनि तरंगों से भाग जाए। यदि किसी को सांप काट ले तो क्या करें? खुद शांत रहें एवं रोगी को शांत करें। उसको बताएं कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं और जहरीले सांप भी हर बार जहर नहीं छोड़ते हैं। तुरंत 108 पर फोन करें एवं एम्बुलेंस बुलाएं एवं रोगी को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। पीड़ित के उस अंग को इस प्रकार से स्थिर करें जैसे फ्रैक्चर के हो जाने के बाद उस अंग को करते हैं। सांप के काटे हुए स्थान से आभूषण और तंग कपड़ों को हटा दें। जब तक पीड़ित चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे मुंह से कुछ भी न दें। फेफड़ों में उल्टी जाने के खतरे को कम करने के लिए रोगी को रिकवरी स्थिति में अर्थात बाई ओर लिटाएं। रोगी को खुद से नहीं चलने दें। घाव को काटना, चीरा लगाना, घाव को चूसना, जड़ी बूटी लगाना सिर्फ बेकार ही नहीं, घातक भी हो सकता है। झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी के चक्कर में नहीं पड़े। सांप के काटे का इलाज सिर्फ एंटी स्नेक वेनम ही है, जो प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। याद रखें, समय कीमती है। देश में हर साल लाखों लोगों ने समय पर अस्पताल पहुंचकर अपनी जान बचाई है। अधिक जानकारी के लिए
नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें अथवा टोल फ्री नंबर 104 से संपर्क करें।